हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रोहित सिंगल। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं अपनी अकाउंट्स की, जो अपना चल रहा था लेक्चर थर्ड, उसको आगे बढ़ाते हुए अपन यूएससीएमए डिस्कस कर रहे हैं। यूएससीएमए के अंदर अपना ऑलरेडी दो लेक्चर हो चुके हैं, आप लोगों को याद होगा। अपन आज थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अपना चल क्या रहा है अभी, आप ये याद रखिए। अपना टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और आपको याद होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने टाइप के होते थे? टोटल 5 टाइप के होते थे। कौन कौन से होते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर आप इसे बोल सकते हैं सिंपल पी एंड एल अकाउंट, ठीक है, या फिर इनकम स्टेटमेंट। एक ही बात है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल दो या पी एंड एल बोल दो, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट, एक ही बात है। थर्ड जो आज अपन पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है? फिर इसके बाद आएगा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, देखेंगे बाद में। और एक आएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो ये टोटल 5 चीज़ें हैं जो अपन को डिस्कस करनी है, डिस्कस करनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। अपन ऑलरेडी इसमें से 2 चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, तो आज क्या पढ़ेंगे अपन? आज अपना टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ठीक है? बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, जो मैंने आपको पहले भी पिछले क्लास में लास्ट में भी बोला था, कई बार बोल चुके हैं कि प्लीज आप क्लास को रिवाइज करते रहिए, ठीक है? आपको अगर नोट्स बनाने तो बना सकते हैं, अदरवाइज जो पीपीटी मैं दे रहा हूँ वो अपने आप में नोट्स हैं, ठीक है? बट अगर खुद के नोट्स बनाए तो वो ज्यादा बेटर होता है, ऑब्वियसली बात है, कोई उसमें कोई सेकेंड थॉट नहीं है, ठीक है? अगर आपके पास टाइम कम है, आप जॉब पे जाते हैं, तो आप नोट्स बनाने का हो सकता है कि आपको टाइम ना मिले, तो आप क्या करिए कि जो मैं पीपीटी दे रहा हूँ उसके अंदर ही आप एडिट कर सकते हैं चाहें तो, ठीक है? वो पीपीटी आप एडिट करिए और आराम से उसके अंदर जो भी आपको आपको एडिशनल पॉइंट्स लिखने हैं वो लिखिए, ठीक है? आपके एग्जाम में वो बहुत काम आएंगे, क्लियर? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट दोस्तों, अपन ने स्टूडेंट्स अपन ने पढ़ा भी है कि कभी ना कभी 12th क्लास में या अपने ग्रेजुएशन के अंदर, फिर भी मैं मानूंगा कि आपने नहीं पढ़ा है। कैश फ्लो मतलब कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ठीक है? क्या पैसा आ रहा है, क्या पैसा जा रहा है, उसे बोलते हैं कैश फ्लो। सर, ये निकालना क्यों जरूरी है कैश फ्लो? देखो, कई चीजें ऐसी होती है जो बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिवील नहीं कर पाती। इवन कुछ चीजें ऐसी होती है जो इनकम स्टेटमेंट भी रिवील नहीं कर पाता। जैसे इनकम स्टेटमेंट मतलब पी एंड एल है ना, जैसे आपका एक फ्रेंड है, ध्यान सुनना एग्जाम्पल, आपको समझ में आ जाएगा। आपका एक दोस्त है, वो हमेशा कहता है कि मैं, मेरी अर्निंग बहुत अच्छी है, ठीक है? मान लो मैं अर्न कर रहा हूँ 1 लाख रुपीज पर मंथ, वो कह रहा है आपको कि भैया मेरा जो हर महीने की अर्निंग है वो 1 लाख रुपए है। लेकिन ना, आप जब भी उसके पास जाते हो उसके पास पैसा कुछ नहीं मिलता, ठीक है? वो हमेशा आपसे पैसे मांगता रहता है या किसी से भी उधार मांगता रहता है, हमेशा आप देखते हो वो पैसे के लिए तंग रहता है, परेशान रहता है। तो आप देखा जाए तो उसका प्रॉफिट अच्छा है, 1 लाख रुपए हर महीने कमा रहा है वो पर्सन, बट फिर भी उसका पता नहीं पैसा कहाँ जा रहा है। तो आप उससे क्या सवाल पूछोगे, भाई तू पैसा खर्च कहाँ करता है ये बता? तो फिर वो बताएगा कि मेरे ये कुछ शौक है, ठीक है? जैसे मान लो वो बहुत ज़्यादा लिकर पीता है, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना है उसका, ठीक है? ऐसे एग्जाम्पल उसके बहुत सारे शौक है, तो फिर उसको 1 लाख रुपये भी कम पड़ेगा, ठीक है? मतलब पी एंड एल तो उसका अच्छा शो कर रहा है, पी एंड एल में तो उसकी इनकम कितनी आ रही है, 1 लाख रुपीज पर मंथ है देखा जाए तो। लेकिन वो पर्सन क्या है, जो उसका कैश है, कैश आउटफ्लो से आपको पता लगेगा रियल में कि वो पर्सन, उसका पैसा जा कहाँ रहा है, ठीक है? क्या वो चीज प्रोडक्टिव जगह पे जा रही है पैसे, या फिर वो नॉन प्रोडक्टिव एरिया में जा रहा है, क्लियर क्या? तो प्राइमरी पर्पस जो होता है कैश फ्लो का, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसिप्ट एंड यूज ऑफ कैश, कैश इक्विवेलेंट, रिस्ट्रिक्टेड कैश, रिस्ट्रिक्टेड कैश इक्विवेलेंट। अब आपके मन में आया होगा, सर ये कैश तो समझ में आता है, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड कैश क्या होता है, और रिस्ट्रिक्टेड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? बहुत ही सिंपल बातें हैं। देखो, कैश इक्विवेलेंट मतलब वो चीजें जो कैश के बराबर मानी जाती है। एग्जाम्पल बैंक, अब आपका बैंक में पैसा पड़ा है, ठीक है? या आपने किसी मार्केटेबल सिक्योरिटी पे पैसा लगा रखा है, मार्केटेबल सिक्योरिटी पे पैसा लगा रखा है। मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब सिंपल इन्वेस्टमेंट, कोई से भी इन्वेस्टमेंट जिसमें आपका पैसा 3 मंथ्स के अंदर अंदर रियलाइज हो जाएगा। कितने मंथ्स में रियलाइज हो जाएगा? 3 मंथ्स के अंदर अंदर रियलाइज हो जाएगा, तो उसे अपन कहते हैं कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट मतलब बताओ क्या होता है, कैश के अलावा
वो चीजें जो बहुत आसानी से जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो सकती है। तो बैंक का बैलेंस मान लो, मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब वो सिक्योरिटीज जिसको आपने 3 महीने के अंदर अंदर सोचा है कि मैं इसको बेच दूंगा, कैश में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। व्हाट इज रिस्ट्रिक्टेड कैश? रिस्ट्रिक्टेड कैश क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड कैश मतलब वो कैश जो आपने किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए रख रखा है, ठीक है, उसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड कैश। पर्टिकुलर पर्पस के लिए रख रखा है तो उसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड कैश। जैसे आपने बोला कि मैंने 1 लाख रुपीज एक डेब्ट है मेरा, उसको पे करने के लिए रख रखा है, मैं उसको और किसी काम में नहीं ले सकता, मैं केवल उससे क्या पे करूंगा, लोन पे करूंगा, डेब्ट पे करूंगा, ठीक है। तो वो क्या, वो कौन सा कैश हो गया? रिस्ट्रिक्टेड कैश। इसी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड कैश इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, जैसे कैश इक्विवेलेंट है वैसे रिस्ट्रिक्टेड कैश इक्विवेलेंट हो गया, फॉर द कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो बताओ क्या पर्पस होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कि कैश के अंदर या कैश इक्विवेलेंट या रिस्ट्रिक्टेड कैश इक्विवेलेंट या रिस्ट्रिक्टेड कैश, है ना, इन सब में कितना चेंज आ रहा है, मतलब ओपनिंग कैश कितना है और क्लोजिंग कैश कितना है। अब सपोज करो किसी कंपनी का ओपनिंग कैश है 10,000 का, क्लोजिंग कैश है 15,000 का, तो आप क्या बोलोगे बताओ, कि 5,000 का क्या हुआ है कैश इनफ्लो, बोलोगे नहीं बोलोगे कि 5,000 पे कैश आए हैं। इसी तरीके से मतलब ये पिछले साल का कैश हो गया, इस पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, ये इस साल का क्लोजिंग हो गया, तो इस बीच में कितने रुपए कैश आए होंगे? 5,000 कैश आए हैं प्लस हुआ है जो, तो ये 5,000 प्लस हुआ है इसे क्या बोलेंगे? कैश इनफ्लो। ऐसा भी हो सकता है कि पिछले साल ओपनिंग में, मतलब पिछले साल क्लोजिंग या इस साल की ओपनिंग में 10,000 कैश था, अब कैश का बैलेंस कितना हो गया? 8,000। तो कैश कितना कम हो गया? 2,000 जो कम हुआ है वो क्या कहलाएगा आपका? कैश आउटफ्लो। क्लियर? क्या इसको अपन बोलते हैं क्या? कैश आउटफ्लो। अब अपन आते हैं आगे नए टॉपिक पे, कैश फ्लो के अंदर। आपने सुना होगा स्टूडेंट्स के कैश फ्लो कितने टाइप का होता है, कितने मेथड होते हैं, पहले ये बताओ दो। अब आप बिल्कुल ध्यान सुनना है आपको, है ना, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। सर डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? डायरेक्ट मेथड में 3 एक्टिविटीज होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इनडायरेक्ट मेथड में भी 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में फर्क क्या होता है? केवल फर्क होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, मतलब फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दोनों की दोनों क्या होती है? सेम। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेम होती है डायरेक्ट मेथड में, इनडायरेक्ट मेथड में भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेम होती है, डायरेक्ट मेथड में फाइनेंसिंग एक्टिविटी सेम होती है और इनडायरेक्ट मेथड में भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी सेम होती है। तो केवल डिफरेंस किस में आया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। ये चीज समझ में आई अपन को, ठीक है। अब सर ये डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड का क्या चक्कर है ये भी समझाओ। देखो डायरेक्ट मेथड में ये बताया जाता है कि कैश आया कहाँ से है, स्टार्टिंग से। अपन केवल किसकी बात कर लेते हैं पहले? ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर लेते हैं ना, ये अपन बेस समझ रहे हैं, ठीक है। अगर ये आपको चीजें समझ में आ गई तो आगे तक आपको चीजें क्लियर रहेगी पूरी की पूरी, कैश फ्लो इजीली समझ में आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में कैश फ्लो के कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कंफर्म है, ठीक है। तो आपको कैश फ्लो बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है, ये अपन डिटेल से कवर करने वाले हैं। इवन मेरे हिसाब से आज पूरी क्लास अपनी कैश फ्लो के लिए ही डेडिकेटेड है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड के अंदर बता दिया अपन ने, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग 3 एक्टिविटी होती है, और डायरेक्ट मेथड के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इनडायरेक्ट मेथड के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही चेंजेस होते हैं, बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है? सेम होती है। अगर आपने स्कूल्स में कभी पढ़ा होगा ना ये, तो स्कूल्स में आप जनरली इनडायरेक्ट मेथड पढ़ते थे आपके कोर्स में, मतलब ज्यादातर मैंने देखा है स्कूल्स के कोर्स में डायरेक्ट मेथड नहीं होता, ठीक है, बट हो सकता है कि आप किसी और स्कूल से बिलोंग करते हो तो उधर डायरेक्ट मेथड आपको पढ़ाया गया हो, वरना जनरली तो ये होता है कि स्टूडेंट्स के अंदर देखा गया है कि डायरेक्ट मेथड क्लास में नहीं कवर कराते, बट ये इजी होता है। व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी? पहले ये बताओ आप, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो बिजनेस का कोर काम होता है,
हमारा कोर काम क्या है बताओ, एजुकेशन, पढ़ाना, ठीक है। और अगर कोई बैंकिंग कंपनी है तो उसका कोर काम क्या है, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, सिंपल सी बात ये है, क्लियर। लेकिन कभी कभार वो लैंड बेच देती है, उसके पास एक लैंड है, उसको सेल कर दिया उसने, बिल्डिंग सेल कर दी, कभी कभार उसने किसी को किसी से अपन मान लो कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिए, तो ये सब काम क्या है, नॉन कोर काम है इसके। कौन से काम है, नॉन कोर वर्क। तो कोर वर्क क्या है बैंकिंग कंपनी का, केवल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। तो जो कोर वर्क होता है वही चीज क्या होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है हर बिजनेस की, ठीक है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट मेथड, ध्यान रखना, फिर अपन आएंगे इनडायरेक्ट मेथड में। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, अपन जो अप्रोच चलाते हैं वो टॉप टू बॉटम चलाते हैं। टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे की तरफ चलाते हैं, ठीक है। और वैसे अगर इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो इनडायरेक्ट मेथड में कौन सी अप्रोच चलती है, बॉटम टू टॉप। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं अपन, अब आपका बताओ कोर काम जो होगा उससे क्या होगी, सेल्स। सेल्स कितने टाइप की होती है आपको पता है, कैश सेल्स भी होती है और क्रेडिट सेल्स भी होती है। कैश सेल से क्या मिलेगा अपन को, कैश मिल जाएगा एंड टू एंड, तो बात ही खत्म हो जाएगी। क्रेडिट सेल से क्या होगा, क्रेडिट सेल से होगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। क्रेडिट सेल से क्या होगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो बताओ अगर मैं कैश फ्लो बनाऊंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो भी डायरेक्ट मेथड से, तो सबसे फर्स्ट आइटम मेरा क्या आएगा, कैश सेल, क्योंकि सेल करना मेरे बिजनेस का सबसे मेन काम है। सेकंड, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। लेस, लेस क्या करेंगे, कैश परचेजेस, क्योंकि जो अपन माल खरीद रहे हैं है ना, जो अपन माल बेच रहे हैं उसके लिए अपन ने वो माल कभी ना कभी खरीदा भी होगा, कभी ना कभी वो गुड्स परचेज भी करे होंगे। फिर लेस पेमेंट टू क्रेडिटर्स। तो बताओ ये क्या बना रहा हूं मैं, सर ये आप बना रहे हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय डायरेक्ट मेथड। अगर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ में आ गई तो बाकी एक्टिविटीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। दिक्कत तो आपको ऑपरेटिंग में भी नहीं आएगी, ये समझाना मेरा काम है बस आपको, है ना, बिल्कुल ध्यान से समझनी है चीजें। और क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट कंटिन्यू हुए ना, ठीक है, इसके नीचे लिख रहा हूँ आप ये मान लेना, बस जगह कम हो गई ना वहाँ पे तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया। और कुछ होते हैं बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब जैसे सैलरी, इसमें आप ग्रुप ले सकते हो, एडमिन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंस मतलब, ठीक है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो ये सारे कौन से एक्सपेंस माने जाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो बताओ सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करी आपने, कैश सेल से, फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर से, कैश परचेज से, पेमेंट टू क्रेडिटर से। जो माइनस में चीजें हैं मैं उसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो दोनों मेरे इनफ्लो हो गए, कैश सेल एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये मेरे क्या हो गए, आउटफ्लो हो गए। वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखे हैं जो मैंने अभी पे कर रहे हैं, जो मैंने अभी तक पे नहीं करे आउटस्टैंडिंग है उनका कोई मतलब नहीं है लिखने का, है ना, वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं, कैश कितना आया और गया, कैश से मतलब है, ठीक है। और चीज क्या होती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद टैक्सेस पेड, टैक्सेस पेड। तो बताओ ये सारे आइटम कौन से एक्टिविटी के होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के होते हैं डायरेक्ट मेथड के अंदर। तो इससे मेरे पास क्या निकल जाएगा लास्ट में, इससे मेरे पास निकलेगा, इससे निकलेगा कैश फ्लो, ऊपर लिख देता हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये लास्ट वाला जो है ना पॉइंट वो ये है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ में आया क्या आपको ढंग से। अच्छा तो डायरेक्ट मेथड में क्या किया बताओ, एक बार वापस से रिवाइज कराओ भाई। सबसे पहले अपन ने ली कैश सेल्स, फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर, फिर लेस किया पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कैश परचेजेस और पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और क्या लेस किया उसमें से, टैक्सेस पेड लेस कर दिए। तो अपने पास क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसे डायरेक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अपन टॉप टू बॉटम चल रहे हैं। टॉप टू बॉटम मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा इसका क्या मतलब है, बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम का, 2 मिनट और रुको।
अगर मैं कैश फ्लो बनाता कौन सी एक्टिविटी से, कौन से मेथड से, सॉरी इनडायरेक्ट मेथड से, ठीक है, अगर अपन कैश फ्लो बनाते कौन से मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से, तो अपन कैसे चलते, बॉटम टू टॉप। सर अब तो बता ही दो ये टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप का क्या चक्कर है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या होता है। बॉटम टू टॉप मतलब बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ जाना। जैसे आप बताओ पेंडल में सबसे लास्ट आइटम क्या होता है, मतलब इनकम स्टेटमेंट में सबसे लास्ट में क्या निकल के आता है, नेट इनकम या नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट निकाल लो आप। अब बताओ नेट प्रॉफिट अपन है ना, अब क्या कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, ठीक है ना। आपने ये पढ़ा जरूर है, हो सकता है आपको लॉजिक समझ में आता हो कि अपन ऐसा क्यों करते हैं, जो भी मैं अभी करने वाला हूँ, हो सकता है कि आपने केवल उसको याद कर रखा हो, ठीक है, बट मेरा काम तो पूरा लॉजिक के साथ बताना है आपको। तो आप बताइए आप 12th क्लास में क्या करते थे, नेट प्रॉफिट के अंदर क्या करते थे अपन 12th क्लास में, आपके टीचर्स क्या बताते थे आपको कि आप नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड कर दीजिए। अगर नहीं भी बताया टीचर ने तो आप समझ लीजिए, सिंपल बात है, नॉन कैश एक्सपेंसेस को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सर क्या हो रहा है थोड़ा समझाओ। देखो भाई ध्यान से मानना, जब अपन नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो पीएनएल बनाते हैं, तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सारे एक्सपेंसेस लेस हो चुके होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। नेट प्रॉफिट याद करो, पीएनएल आपके स्कूल में बनाते थे आप, ऐसा पीएनएल बनाते थे स्कूल में आप, इधर सेल्स लिखते थे सारी इनकम या जीपी लिखते थे, उस इधर सारे खर्चे लिख देते थे, सारे के सारे एक्सपेंसेस आए थे और लास्ट में क्या आया था ना, नेट प्रॉफिट, और इधर इनकम लिखते थे, कोई ना कोई इनकम होती थी वो लिख देते थे, ऐसा करते थे स्कूल्स में। तो ये नेट प्रॉफिट में क्या है, एक्सपेंसेस बताओ लेस है प्लस है, सर माइनस है, लेस है, ठीक है। तो इस नेट प्रॉफिट के अंदर मैं जो एक्सपेंसेस मुझे नहीं लेस करने चाहिए, ठीक है, बट मैंने ऊपर लेस कर दिए हैं, वो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ वापस। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड बैक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये वापस ऐड करने पड़ रहे हैं, ये चीज़ें पहले से लेस हो चुकी थी। आप सोचो जब मैंने नेट प्रॉफिट निकाला था तो उसके लिए मैंने एक्सपेंसेस जब लेस करे थे तो सारे एक्सपेंसेस लेस हो गए होंगे, चाहे वो कैश एक्सपेंस हो चाहे नॉन कैश एक्सपेंस हो। कैश एक्सपेंस का एग्जांपल कोई सैलरी ले लो आप, सैलरी इज अ कैश एक्सपेंस, सैलरी को अपन कैश में पे करते हैं। नॉन कैश एक्सपेंस लाइक डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया, जैसे अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट हो गया, ठीक है, ये सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं। तो आपने नॉन कैश एक्सपेंसेस को क्या करना है, एड बैक करना है, क्यों, क्योंकि आपने सारे के सारे एक्सपेंसेस लेस कर रखे हैं। आपने नेट प्रॉफिट निकालते समय कौन कौन से एक्सपेंस लेस करे थे, कैश एक्सपेंस भी और नॉन कैश भी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कैश एक्सपेंस वापस एड बैक नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपन कैश फ्लो ही तो निकाल रहे हैं, ठीक है, मतलब मैं इस नेट प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट करूंगा, कैश फ्लो में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। अब समझ में आ रहा है कुछ, टॉप बॉटम टू टॉप का क्या मतलब है, कि अपन नीचे से, ये नेट प्रॉफिट नीचे से है सबसे लास्ट में है, इससे ऊपर की डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। ऊपर की डायरेक्शन कैसे जाओगे, जब आप ये जो एक्सपेंसेस हैं ये लेस कर रखे हैं तो इसको वापस एड बैक कर दो, लेकिन सारे एक्सपेंसेस एड बैक नहीं करने, केवल नॉन कैश एक्सपेंसेस एड बैक करने हैं। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। इसी तरीके से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी ऐड कर दो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे लॉस बाय फायर, ठीक है, या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, है ना। फिक्स असेट को आप क्या बोलेंगे, नॉन करंट असेट भी बोल सकते हो या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी बोल सकते हो, शॉर्ट में इसको पीपीई लिखते हैं ना। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी की सारी चीजें आपको क्या करनी होती है, एड बैक करनी होती है। समझ में आ रही है क्या? तो क्या किया बताओ मैंने, नेट प्रॉफिट के अंदर नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड कर दिए और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड कर दिए। बताना जरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्यों ऐड करें, क्योंकि जब मैं पी एंड एल बनाता हूँ, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूँ, तो उसमें मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों की दोनों लेस हो जाते हैं। लेकिन नॉन ऑपरेट अपन कौन सी एक्टिविटी बना रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड से। तो अपन ने क्या किया है, अपन को जो अपन ने जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पहले लेस कर रखे हैं उनको वापस से अपन को क्या करना पड़ रहा है, एड बैक करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये नॉन कैश एक्सपेंस ऐड कर दिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड कर दिए। इसी तरीके से कोई नॉन कैश इनकम है तो उसे क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा,
और इसी तरीके से आपको कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो उसे क्यों, उसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये माइनस क्यों कर रहे हैं, इनकम्स, इनकम इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि आपने गलती से, आप मान लो कि भाई आपने गलती से पहले ऐड बैक कर दी थी, ऐड कर दी थी, ठीक है ना, ऐड करी होगी ना जब आपने ये पेंडल बनाया था, तो आप इसमें बाय जीपी से स्टार्ट करते हो या सेल से स्टार्ट करते हो, यहाँ पे क्या लिखते हो, बाय इनकम्स, तो इनकम में सारी इनकम आ जाती है, कौन कौन सी इनकम आ जाती है, चाहे ऑपरेटिंग है चाहे नॉन ऑपरेटिंग, तो आपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी ऐड कर दी होगी इसके अंदर, तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, लेस कर रहा हूँ यहाँ से, समझ में आया क्या। तो अब ये मेरा प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, समझ रहे हो आप, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है लास्ट में, तो मैं किसकी तरफ जाना चाहता हूँ, कैश फ्लो की तरफ जाना चाहता हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो इसलिए मैंने नॉन कैश एक्सपेंस का एग्जाम्पल बताओ क्या था, डेप्रिसिएशन था, ठीक है, या कोई अमोर्टाइजेशन, ऐसी कोई चीज जो नॉन कैश है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी मैंने ऐड बैक कर दिए, नॉन कैश इनकम मैंने लेस कर दी, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल कोई लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐसी चीजें। नॉन कैश इनकम जो है वो अपन ने लेस कर दी, कोई भी अगर नॉन कैश इनकम आपकी नजर में आती है तो, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम लाइक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, ये सब चीजें क्या होती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। ठीक है, तो कैश फ्लो में आपको ये बातें समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको डिस्कस करी है। अब अपन आगे डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में जान लीजिए आप, कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिलेटेड है लॉन्ग टर्म असेट्स से रिलेटेड, मतलब कि कोई कंपनी अगर लॉन्ग टर्म असेट परचेज करेगी या सेल करेगी तो उस पोर्शन को कहाँ दिखाया जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और ये बात किसके लिए कॉमन है, डायरेक्ट मेथड के लिए भी और इनडायरेक्ट मेथड के लिए भी, मतलब समझने वाला जो मेन काम है ना वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है, ये बात आपको समझ में आ जाएगी धीरे धीरे, है ना, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पढ़ के। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, लॉन्ग टर्म असेट से रिलेटेड चीजें हैं, या तो लॉन्ग टर्म असेट को आपने परचेज किया हो या लॉन्ग टर्म असेट को आपने सेल किया हो, ठीक है। जैसे जैसे स्टेटमेंट बनाते हैं अपन, अब लॉन्ग टर्म असेट्स क्या क्या होती है बताओ, आपने बोला सर परचेज किया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या आ जाएगा, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब चीज आ जाएगी, ठीक है। प्रॉपर्टी होती है बिल्डिंग, प्लांट मतलब मशीन वगैरह, ये सब चीजें आ गई यहाँ पे। तो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से पैसा आता है जाता है, सर जाता है। इसी तरीके से बात करो परचेज ऑफ सपोज करो इन्वेस्टमेंट्स, आपने किसी कंपनी के इन्वेस्टमेंट खरीदे तो आपका पैसा गया आउटफ्लो, तो वाई माइनस में लिख देंगे अपन। सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उससे पैसा आएगा। इसी तरीके से सेल ऑफ क्या, इन्वेस्टमेंट्स, इससे भी पैसा आएगा, ठीक है। तो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से पैसा जाता है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट से पैसा जाता है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से मनी जो है उसका इनफ्लो हो रहा है, और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से भी मनी का इनफ्लो हो रहा है। तो इन सब का अगर मैं नेट कर दूं तो आ जाएगी मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो बताओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किससे रिलेटेड हुई, असेट्स है या नहीं है, बताओ इन चारों में से कोई असेट है, मतलब चारों में से कोई लाइबिलिटी है, नहीं है सर, नहीं है लाइबिलिटी, नहीं है, सारी की सारी असेट है। और ये सारी शॉर्ट टर्म असेट है लॉन्ग टर्म असेट है, लॉन्ग टर्म असेट है ना, ठीक है। ठीक है, ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी ये दोनों के लिए कॉमन थी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कितनी टाइप की एक्टिविटी होती है बताना जरा वापस, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की शुरुआत कैसे होती है, जैसे लोन टेकन, आपने लोन लिया या लोन का रीपेमेंट किया, तो बताना जरा ये क्या है, ये लाइबिलिटी है या एसेट है, लाइबिलिटी है। कौन सी लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी की बात चल रही है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की बात चल रही है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की बात चल रही है। मींस अगर कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है तो वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, चाहे वो लोन लिया चाहे वो लोन रीपेमेंट किया, ठीक है।
इसी तरीके से फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर एक और मेन चीज आती है, डिविडेंड पेड। डिविडेंड पे करना भी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इसी तरीके से कंपनी ने अगर शेयर इशू करे तो वो भी लाइबिलिटी है एक तरीके से। शेयर इशू करना इक्विटी या लाइबिलिटी कह लो, एक ही बात है, ठीक है? लाइबिलिटी एंड इक्विटी, तो वो दोनों चीजें किधर आती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो शेयर इशू करना इक्विटी का पार्ट है, तो वो भी कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? फाइनेंसिंग में। मान लो शेयर का अपन ने रिडम्पशन किया, रिडम्पशन मतलब क्या होता है? रीपेमेंट करना। आज अपन ने शेयर इशू करा तो कंपनी के पास पैसे आए, शेयर रिडीम करा तो पैसे गए। तो बताना जरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या चीजें आएगी? लोन लिया, लोन का रीपेमेंट किया, डिविडेंड पे करा, शेयर इशू करे और शेयर का रिडम्पशन किया, ठीक है? सिंपल बातें, बस आउटफ्लो इनफ्लो याद रखना है। लोन लिया तो फिर क्या है? पैसे आए तो प्लस में लिखा है अपन ने इसको। लोन रीपेमेंट किया, पैसे गए तो फिर आउटफ्लो हो गया। डिविडेंड पे करा तो आउटफ्लो हो गया। शेयर इशू करे, पैसा आ गया तो इनफ्लो हो गया। अगर शेयर रिडीम कर दिए तो पैसा चला गया तो आउटफ्लो हो गया, ठीक है? ये याद रखना, डिविडेंड पेड कहाँ है, कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अच्छा सर, अगर डिविडेंड रिसीव है तो कहाँ जाएगा? अब आपके मन में क्वेश्चन आएंगे। चलो मैं आपके मन में सारे क्वेश्चनों को शांत कर देता हूँ, ठीक है? बताओ सबसे पहले क्या पढ़ा था अपन ने? डिविडेंड पेड। और क्या पढ़ा था? और अभी अपन ने पढ़ा डिविडेंड रिसीव। नाम सुना बस के वाला है ना? आपको चार चीजों में कंफ्यूजन रहता है ना, वो मैं दूर कर देता हूँ अभी। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है? स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माफ कर देना, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है? डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव, ऑल आर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आप इंडिया में क्या करते थे, स्कूलों में क्या करते थे, ये सब चीजें भूल जाओ, है ना? स्कूल्स में कुछ अलग होता था, ठीक है? अगर आप सीए वगैरह कर रहे हो तो उसमें अलग होता है, लेकिन यूएस गैप में तो यही होता है। क्लियर? क्या डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने आपको बताया था पहले भी, यूएस के अंदर क्या चलते हैं? गैप। गैप की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दीज आर रूल बेस्ड अकाउंटिंग। रूल बने हुए हैं, ठीक है? फॉलो करने पड़ेंगे रूल्स। तो नो इफ एंड नो बट, ठीक है? तो डिविडेंड पेड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ में आ गया? इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव एंड इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। झंझट ही खत्म, ठीक है? क्लियर? चलें आगे। अब मैं आपको थोड़ा सा है ना बेस, मतलब जो अपन ने पढ़ा है, अपन ने बताओ क्या क्या पढ़ा? डायरेक्ट मेथड देखा और इनडायरेक्ट मेथड देखा। मैं आपको लास्ट बार एक बार रिवीजन करा रहा हूँ सारा का सारा, ठीक है? कैश फ्लो में से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, बस आप ये याद रखना। सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी थी? ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, फिर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। मैंने आपको बताया था, याद रखना, केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिफरेंस है। डायरेक्ट मेथड के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का निकालने का तरीका अलग है, इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का निकालने का तरीका अलग है, लेकिन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों जगहों पे सेम रहती है। मजे की बात बताऊं आपको, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आंसर सेम आएगा, चाहे डायरेक्ट मेथड से करो चाहे इनडायरेक्ट मेथड से करो। आंसर जो है, फाइनल रिजल्ट सेम आएगा, बट तरीका अलग है, ठीक है? काम करने का तरीका अलग है। आप कान यू पकड़ रहे हैं और कान ऐसे उल्टे हाथ से पकड़ रहे हैं, बस इतना सा फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। ये है। तो डायरेक्ट मेथड में मैंने क्या अप्रोच चलाई थी बताना जरा, याद है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में याद करना पड़ेगा आपको, ऐसे याद नहीं करोगे तो छोड़ूंगा ही नहीं मैं, टॉप टू बॉटम। और इनडायरेक्ट मेथड में क्या अप्रोच अपनाई थी बताना जरा आपने? बॉटम टू टॉप, ठीक है? बॉटम टू टॉप क्या होती थी बताओ जरा, क्या करते थे बॉटम टू टॉप में आप? सर पहले नेट प्रॉफिट लेते थे, फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करते थे। बताना जरा, नॉन कैश एक्सपेंसेस क्यों ऐड करते थे? क्योंकि आपने पहले सारे के सारे एक्सपेंसेस माइनस कर रखे हैं, ठीक है? और अब आप क्या कर रहे हो, जो आपने चीजें गलत माइनस कर दी उसको वापस से ऐड बैक कर रहे हो। इसी तरीके से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप ऐड बैक कर दो, नॉन कैश इनकम को आप जो है लेस कर दो, ठीक है? क्योंकि इनकम क्या हो रखी है, पहले से ही प्लस हो रखी है, नेट प्रॉफिट निकालते टाइम पे, तो उसको आप लेस कर दो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस कर दो,
ठीक है। और डायरेक्ट मेथड में कैसे चलता है अपना काम? डायरेक्ट मेथड में चलता है कैश सेल्स सबसे पहले लिखो, फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लिख दो, डेटर से कलेक्शन जो हुआ वो आ गया, फिर कैश परचेजेस लिख दो और पेमेंट टू क्रेडिटर्स लिख दो, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पेड करके लिख दो। तो ये आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये कौन सा मेथड था? डायरेक्ट मेथड। ये कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड। आपको ये भी याद रखना है कि अभी डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या है, दो एक्टिविटी और बची होती है, ऑपरेट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, वो अपन ने कर ली डिस्कस। इनडायरेक्ट मेथड में वो एक्टिविटी सेम रहती है। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत और बाकी है। इसमें वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट और होता है, मतलब करंट असेट और करंट लाइबिलिटी का, तो अपन देखेंगे। डायरेक्ट मेथड में एक आइटम रह गया, बातों बातों में टैक्सेस पेड भी लेस कर देते हैं। ठीक है, वो इनडायरेक्ट मेथड में भी लेस होगा, अभी और आएंगे अपन, है ना। ठीक है, अब आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। इतना आपको बेसिक समझ में आ गया, ये सब चीज़ें आगे वापस आएगी। ठीक है ना, ये तो मैंने आपको एक आउटलाइन दी है। अब आप सोच रहे हो सर कितनी बड़ी आउटलाइन दे दी है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब जो आपका मेन बिजनेस एक्टिविटी है, जो आपके सेंट्रल ऑपरेशंस है, मतलब कोर ऑपरेशंस। ठीक है, क्लियर क्या? कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एग्जांपल याद है? अभी दिया था ना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एग्जांपल, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, ये सब नॉन ऑपरेटिंग होता है। ठीक है, या लोन लेना। अब आपका बिजनेस है, मान लो टेक्सटाइल का, कपड़ों का बिजनेस है, लेकिन आप लोन ले रहे हो, उससे पैसा आया, तो बताओ कौन सी एक्टिविटी थी वो? फाइनेंसिंग। लोन लेना कौन सी एक्टिविटी होती है? फाइनेंसिंग। अच्छा, अगर लोन दिया तो सोचो, कंफ्यूज मत हो जाना। अब मैं आपको बोलता हूँ लोन गिवन, ये बताओ कौन सी एक्टिविटी है? अगर आपने किसी को लोन दिया तो असेट है, लाइबिलिटी आपकी? सर असेट है। तो कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, लॉन्ग टर्म असेट क्या बताया था मैंने आपको? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर लोन टेकन होता तो कौन सी एक्टिविटी होती? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ में? अच्छा, ये जो लोन दिया है कभी ना कभी रिकवर होगा, तो फिर कौन सी एक्टिविटी होगी? अगेन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लेकिन इनफ्लो हो जाएगा तब। लोन दिया है, लोन गिवन है, ठीक है, तो आउटफ्लो है। अच्छा, लोन लिया भी आपने, तो लोन लेना कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। इनफ्लो है, आउटफ्लो है? लोन लेना तो इनफ्लो होता है, पैसा आएगा। लेकिन अगर लोन ये रीपे कर दिया तो आप कभी ना कभी लोन चुकाओगे, जो आपने लोन लिया है कभी ना कभी उसको, तो होगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लेकिन वो तब आउटफ्लो हो जाएगा। क्लियर क्या? और आगे आपको ये बातें ढंग से समझ में आ जाएगी। अब देखो, आपको इसमें वापस गिवन है, बता रखा है, वैसे तो अपन ज्यादातर सब चीजें पढ़ चुके हैं, बस एक रीडिंग लगा लेते हैं थोड़ी सी। रीडिंग क्या मतलब, और समझ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए, सीमेंट की तरह बातें। कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, मतलब डेटर्स, कैश पेड टू सप्लायर्स। कौन सा मेथड है ये? ये मान लो डायरेक्ट मेथड चल रहा है। ठीक है, यही तो था, कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर मतलब डेटर, और पेमेंट टू सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स। ठीक है, जो आपकी प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी है उससे जो हुआ। इंटरेस्ट पेड बताया था मैंने आपको, इंटरेस्ट रिसीव डिस्कस किया था, डिविडेंड रिसीव डिस्कस किया था। ये सारी कौन सी एक्टिविटी होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। ठीक है, टैक्सेस जो अपन ने पे करे वो भी क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अब आप ने ये वाला पॉइंट ध्यान समझना। मान लो आपकी फर्नीचर की दुकान है, और कभी कभार आप क्या करते हो, किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हो, शेयर परचेस कर लेते हो, तो बताना जरा, फर्नीचर की दुकान है तो शेयर परचेस करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? नॉन ऑपरेटिंग है सर, क्योंकि फर्नीचर खरीदेंगे तो ऑपरेटिंग होगी। तो शेयर खरीदना कौन सी एक्टिविटी है? नॉन ऑपरेटिंग। लेकिन मान लो आपका काम ही क्या है, शेयर की ट्रेडिंग करना। कई लोग होते हैं ना, शेयर ब्रोकर होते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पूरे दिन भर सीएनबीसी देखते रहते हैं। सीएनबीसी आता है ना एक चैनल, टीवी देखते रहते हैं, शेयर मार्केट देखते रहते हैं। अब जो शेयर मार्केट का काम कर रहा है, उसके लिए शेयर ट्रेडिंग बताओ कौन सी एक्टिविटी है? सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, तो इस यही पॉइंट लिखा है, कैश फ्लो फ्रॉम परचेज सेल एंड मेच्योरिटी ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, वो कौन सी एक्टिविटी होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, पेमेंट फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग, मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, अगर डिविडेंड पे होगा तो फाइनेंसिंग होगी। अब वो चाहे इंटरेस्ट किसी पे भी हो, बॉन्ड्स पे हो, डिवेंचर पे हो, ये हो, किसी पे भी हो,
लोन पे हो। ये जीरो कूपन डेप्ट क्या होता है ये समझना जरूरी है भाई। कूपन मीन्स होता है इंटरेस्ट। तो कौन से डेप्ट की बात चल रही है? जीरो कूपन मतलब जीरो इंटरेस्ट डेप्ट। मान लो एक कंपनी है, कंपनी ने लोन लेना चाह कंपनी लोन ले रही है, क्या इशू कर रही है उसके लिए? डेप्ट। डेप्ट मतलब जैसे बॉन्ड इशू कर रही है, डिबेंचर इशू कर रही है। लेकिन कंपनी ने बोला हम लोन लेंगे लेकिन इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। अब आप बोलोगे कैसी बेवकूफ कंपनी है, हम उसको पैसा ही नहीं देंगे, हम उसके बॉन्ड खरीदेंगे ही नहीं अगर वो इंटरेस्ट नहीं पे करेगी। तो ये आप हो मान लो, ठीक है ना, ये आपके दोस्त हैं, ये सब क्या खरीदना है? कंपनी के बॉन्ड। लेकिन कंपनी क्या बोल रही है, हम बॉन्ड तो इशू कर देंगे लेकिन कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, एंड नो इंटरेस्ट। तो जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं ऐसे को। तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो बिकेंगे ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं बिक जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, बिक जाएंगे। सुनना देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है। जो जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं या डिबेंचर होते हैं, डिबेंचर या बॉन्ड एक ही बात है, डिबेंचर बोल लो, बॉन्ड बोल लो, लोन बोल लो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो जीरो कूपन बॉन्ड जो होता है वो, उसको अपन डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी बोलते हैं। पहली बात तो ये याद रखना, जीरो कूपन बॉन्ड को क्या बोलते हैं बताओ, दूसरा नाम क्या है? डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, मतलब बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट दिया गया है ऐसे बॉन्ड्स पे, तो उसे बोलते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। तो डीप डिस्काउंट बॉन्ड में होता क्या है कि कंपनी, जैसे मान लो एक कंपनी को, कंपनी है ना 1 लाख रुपए का कोई, या 1,000 की फेस वैल्यू का कोई बॉन्ड इशू कर रही है। कितने रुपए का बॉन्ड इशू कर रही है? 1,000 की फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू होती है ना, स्कूल में पढ़ा होगा आपने, नॉमिनल वैल्यू शेयर वगैरह की होती है। अब कंपनी वो इशू कर रही है केवल 100 रुपीज में। बताना जरा 900 का क्या है, डिस्काउंट हो गया भाई। इशू प्राइस कितनी है? 100 रुपये। फेस वैल्यू कितनी है? 1,000, 1,000। तो डिस्काउंट कितना हो गया? 900। तो कंपनी ये बॉन्ड ऑलरेडी किस पे इशू कर रही है? बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे कर रही है। तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट को क्या बोलते हैं? डीप डिस्काउंट। मतलब आपको 1,000 रुपये का बॉन्ड कितने रुपये में मिल रहा है? केवल 100 रुपये में। तो आप जो थे पहले हैप्पी नहीं थे, अब क्या हो जाओगे? हैप्पी हो जाओगे बहुत ज़्यादा, ये खुश हो गए आप। क्यों? क्योंकि मुझे केवल बॉन्ड कितने का, आपको केवल बॉन्ड कितने का मिलेगा? 100 रुपये का। और जब ये बॉन्ड रिडीम होगा, मान लो इसकी लाइफ रख दी 10 साल बाद, 10 साल बाद कंपनी रिडीम करेगी, तो 10 साल बाद आपको कंपनी कितने रुपये दे देगी इस बॉन्ड के? 1,000 रुपये दे देगी। समझ में आया? ऐसे बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड। अब बताना जरा, आपसे कंपनी ने लिए कितने रुपए? 100 रुपये। आपको मैच्योरिटी पे देगी कितने? 1 साल बाद, वो 10 साल बाद 1,000 रुपये। तो कंपनी बताओ आपको एक तरीके से 900 रुपये का फायदा वैसे ही दे रही है 10 सालों के अंदर अंदर। तो कंपनी अब आपको बीच में कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करती है। तो इसलिए ऐसे बॉन्ड को बोला जाता है जीरो कूपन बॉन्ड या जीरो कूपन डेप्ट। क्यों इंटरेस्ट पे नहीं करा समझ में आया? क्योंकि भाई वो ऑलरेडी क्या है, बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे है। क्लियर? मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई आपको। इंडिया में एक कंपनी थी या है, IDBI, अब तो LIC ने शायद इसको काफी टेक ओवर कर लिया। तो IDBI ने 1 लाख रुपीज के फेस वैल्यू के बॉन्ड इशू करे थे 1992 में, और उसकी इशू प्राइस थी 2,700 या 2,500 मान लो आप इशू प्राइस। और ये बॉन्ड की लाइफ थी 25 साल, और कंपनी 25 साल बाद कितने रुपए देगी? 1 लाख रुपए। और आपसे अभी कितने रुपए ले रही है? 2,500 रुपीज ले रही है। तो ऐसे बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं? डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। बात क्लियर है? तो इस केस में जो कंपनी है वो बिल्कुल भी आपको इंटरेस्ट पे नहीं करती है। क्लियर क्या? तो अगर कोई सेटलमेंट होता है फिर भी इंटरेस्ट का, कभी ना कभी जीरो कूपन बॉन्ड्स पे, तो भी वो किधर दिखाना है? तो भी वो अपन को दिखाना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाना है। नॉर्मली तो कोई इंटरेस्ट होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर लास्ट में कंपनी ने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पे करा, तो जो है इंटरेस्ट वो किधर दिखाया जाएगा? वो दिखाया जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कुछ नया नहीं है, सारे पॉइंट पुराने हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपने कोई प्रॉपर्टी परचेस करी, प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेस किया, क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में? PPE,
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीपीई। आप भी आदत बना लो, अब मैं शॉर्ट में पीपीई ही लिखूंगा, ठीक है। फिक्स असेट बोल लो, नॉन करंट असेट बोल लो, बात एक ही है। या कंपनी ने कोई लोन लिया, लोन दिया सॉरी, है ना, लोन देना अभी अपन ने डिस्कस किया था। कंपनी ने लोन दिया तो वो कंपनी क्या है, असेट है। या लोन को वापस कलेक्ट किया, रिकवरी करी, ठीक है। तो अगर लोन दिया तो आउटफ्लो हो गया, अगर लोन रिकवर किया तो इनफ्लो हो गया। लेकिन कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्योंकि है तो असेट ही। कंपनी ने कोई भी सिक्योरिटी खरीदी, एक्वायरिंग एंड डिस्पोजिंग, खरीदी या बेची, ठीक है, कोई भी सिक्योरिटी, चाहे वो डेब्ट की हो चाहे वो इक्विटी की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस अदर देन ट्रेडिंग होनी चाहिए। अगर अदर देन ट्रेडिंग है, जो अपन ने डिस्कस किया था, वो अगर ट्रेडिंग वाली सिक्योरिटी है तो कौन सी एक्टिविटी में जाती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाती है। तो कंपनी ने ये दोनों चीजें क्या है बताओ, ये लास्ट के पॉइंट दोनों की दोनों, इसमें डेप्ट है इसमें इक्विटी है। तो खरीदे क्या है, डेप्ट खरीद सकते हो या इक्विटी खरीद सकते हो, क्या खरीद रहे हो आप, ये इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट खरीदना या बेचना, परचेज या सेल, दोनों कौन सी एक्टिविटी होती है बताओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। ये आपके लिए दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको समझ के बताना है आंसर क्या होगा। अब आप है ना बिल्कुल ध्यान से आंसर सोचो, वीडियो पॉज कर लो, ठीक है, आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, ठीक है। सोचा आंसर क्या होगा, देखो जरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 years ago जेम्स कंपनी परचेज स्टॉक इन जेब्रा कंपनी एट अ कॉस्ट ऑफ $1 लाख। जेम्स ने जेब्रा में स्टॉक परचेज किया कितने का, $1 लाख का, 3 साल पहले की बात है। स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 1,50,000 ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो करंट ईयर में आपने उसको बेच दिया। द रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन शुड बी शोन इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेक्शन ऑफ द जेम्स स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एज। अब आपसे पूछ रहा है कितने रुपए का ट्रांजेक्शन दिखाना चाहिए करंट ईयर के अंदर, क्योंकि इसने स्टॉक को बेचा है करंट ईयर में। तो आंसर क्या होगा बताओ, आंसर इज 1,50,000। भाई 3 साल पहले जब 1 लाख में खरीदा था ये, ठीक है, तो आपने 3 साल पहले उसको आउटफ्लो दिखाया होगा। अब 1,50,000 में ये स्टॉक बेच दिया आपने, तो इसको 1,50,000 को आप इस साल क्या दिखाओगे, इनफ्लो दिखाओगे, क्योंकि ये स्टॉक है, मतलब शेयर्स है, मतलब इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपने खरीदे तो कौन सी एक्टिविटी है बताओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। नॉर्मली आप ट्रेडिंग नहीं मानते हैं ना, कि आप ये मत मानना कि ट्रेडिंग के लिए खरीदें, अगर कुछ ने कुछ ना लिखा हो तो फिर आंसर क्या होगा, 1.5 लाख। ये सीएमए में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस अपन बहुत सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर आप कितने क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करोगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन अपन क्लास में डिस्कस करेंगे, मतलब हजारों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक तरीके से आप कह सकते हो 1,000 क्वेश्चन से भी ज्यादा डिस्कस हो जाएंगे अपनी क्लास, कम से कम 1,000 हो जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट एक्टिविटी किससे रिलेटेड है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का काम क्या था बताओ, लोन लेना, ठीक है, टू फाइनेंस द बिजनेस एंड रीपेमेंट ऑफ द सेम। पहले भी पढ़ा था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी किससे रिलेटेड होती है, लाइबिलिटी से। कौन सी लाइबिलिटी से, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से रिलेटेड होती है। तो अपन ने लोन लिया, कैपिटल रेस करी, ठीक है, मतलब शेयर्स वगैरह इशू करे, शेयर का रिडम्शन किया, ठीक है, ये सारी कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसे देखो, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, स्टॉक मतलब क्या होता है, शेयर्स, तो शेयर से पैसा आया। ट्रेजरी स्टॉक ट्रांजेक्शन, याद है आपको ट्रेजरी स्टॉक क्या होता था, इक्विटी में पढ़ा था अपन ने इसको, ट्रेजरी स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, कंपनी ने खुद के शेयर परचेज कर लिए तो उसे क्या बोलते थे, ट्रेजरी स्टॉक। पेइंग कैश डिविडेंड, ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, कंपनी ने अगर डिविडेंड पे करा तो, ठीक है, कौन सी एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। लेकिन अगर इंटरेस्ट पे करा तो, अगर यार जैसे डिविडेंड रिसीव करा तो कौन सी एक्टिविटी थी, ऑपरेटिंग। बाकी इंटरेस्ट की दोनों चीजें कहाँ जाएगी, ऑपरेटिंग में। प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग डेप्ट, लोन लिया आपने, इशू करना मतलब लेना, लोन आपने लिया, पैसा लिया, तो पैसा लिया तो फिर आपका इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, आपने जो लोन लिया था उसका प्रिंसिपल पे करा, रीपे करा, ठीक है, और इंटरेस्ट भी पे करते हो, तो इंटरेस्ट तो पे करना कौन सी एक्टिविटी होती है बताना जरा, ऑपरेटिंग। और प्रिंसिपल पे करना कौन सी एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग। तो लोन लिया और लेकर उसको पे करा, दोनों एक्टिविटी कौन सी है, फाइनेंसिंग है, ठीक है। और लोन दिया, ठीक है, और लोन देके वो आपको मिल गया पैसा वापस बाद में कभी ना कभी, तो ये दोनों चीजें कहाँ जाएगी,
ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, क्योंकि लोन देना एक असेट होती है, लोन लेना एक लाइबिलिटी होती है। ऑप्टेनिंग अ लोन, ठीक है, ये पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं आप पूरा पूरा पढ़ने बैठ जाएं, ये केवल एक रेफरेंस के लिए, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्ट रीपेमेंट, जैसे अपन ने डिस्कस कर लिया, आपने कोई डेप्ट का रीपेमेंट किया, ठीक है, प्रीमियम पे करा, आप कई बार आप लोन लेते हो तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हो, है ना, ये है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अब ज्यादातर अपने देखो, अगर आपने इंडिया के अंदर पढ़ा होगा तो ये कवर कभी नहीं होता टॉपिक, ठीक है, ज्यादातर बुक्स ने भी इस टॉपिक को कवर नहीं कर रखा, इवन वायले में शायद ये टॉपिक कवर नहीं है, कई बुक्स में कवर नहीं है ये चीज़, है ना, बट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आप सोचो, पढ़ो देखो एक बार, इसको रीड करो, क्या समझ में आया आपको, क्या लगता है नॉन कैश क्या होती है, नॉन कैश इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है आपके हिसाब से? देखो भाई, कई बार है ना, ध्यान सुनना, जब मैं कहूँ ना पढ़ो, तो आप वीडियो पॉज करके पढ़े करो, है ना, ठीक है। नॉन कैश इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है? कोई एसेट है, अब कंपनी मान लो, कोई एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कंपनी की कोई एसेट है, या कंपनी एक एसेट परचेज करना चाहती है, सर कंपनी एक लैंड परचेज करना चाहती है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कुछ भी परचेज करना चाहती है, कंपनी इसके लिए लोन ले रही है, क्या ले रही है, लोन ले रही है, ठीक है, लोन कौन से बैंक से ले रही है, HDFC बैंक से ले रही है, या सिटी बैंक से ले रही है, कहीं से भी ले रही है, HSBC से ले रही है, तो HDFC से कंपनी लोन लेती है, लेना चाहती है, और उससे क्या परचेज करेगी, लैंड, लैंड जो बेचने वाला पर्सन है उसका नाम है एक्स, और हमारी कंपनी का नाम है, अपनी कंपनी का नाम है, बताओ, FL, FL अपनी कंपनी का नाम है, ठीक है, तो FL कंपनी लोन लेना चाहती है, और एक्स कंपनी क्या करना चाहती है, लोन, वो ये जो है जो एक्स एक्स कंपनी है या एक्स पर्सन है, वो लैंड को बेचेगा। तो HDFC ध्यान रखना, कभी भी लोन ऐसे FL को नहीं देगा, और FL लैंड परचेज करके पैसा एक्स को नहीं देगी, ऐसा नहीं होगा ट्रांजैक्शन। भले ही FL को लैंड परचेज करनी है और FL के पास पैसा नहीं है, तो कंपनी हमेशा, जो HDFC बैंक है, वो हमेशा क्या करता है, डायरेक्ट किसके खाते में पैसा भिजवा देगा, एक्स के खाते में पैसा भिजवा देगा, ठीक है, भले ही लोन लेने का एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है, FL और HDFC के बीच में हुआ है, और एक्स जो है फिर वो लैंड किसको दे देगा, बताओ, FL को दे देगा, और FL का काम क्या रहेगा, उस लोन को चुकाना, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वापस सुन लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जैसे आप ये सब चीजें छोड़ो, अगर ये चीज समझ में नहीं आई, तो आप को एक घर बनाना है, ठीक है, या आपको एक, सपोज करो, कार परचेज करनी है, आपने सोचा भाई मैं तो एक कार परचेज करना चाहता हूँ, ठीक है, या चाहती हूँ, अब आप कार के डीलर के पास गए, शोरूम के अंदर गए कार के डीलर के पास, कि भाई मुझे ये कार दे दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे लोन फाइनेंस पे चाहिए कार, तो वहां पे बैंक वाले बैठे होते हैं फाइनेंस देने के लिए, तो HDFC बैंक वहां पे बैठा है, आपने बोला चलो ठीक है, आपने HDFC बैंक वालों को अप्लाई किया लोन के लिए, और बोला मुझे कार चाहिए तो मेरे को लोन दे दो, HDFC बैंक कभी भी आपके खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं करेगा, HDFC बैंक डायरेक्ट किसके खाते में पैसे ट्रांसफर करेगा, डीलर ऑफ कार, जिसके पास आप कार लेने गए हो, और ये कार का जो डीलर है ना, ये आपको कार दे देगा, और ऑब्वियसली आपको लोन किसको चुकाना है, HDFC बैंक को, आपको खुद को लोन चुकाना पड़ेगा। ऐसा क्यों करता है HDFC बैंक, कई बार ऐसा देखा जाता था पहले, कि भाई आपने लोन ले लिया कार के लिए, और आपने अपने अकाउंट में, खुद के अकाउंट में पैसे डलवा लिए, और आप कार नहीं खरीद रहे, आप कुछ और उसको पैसे को कहीं और यूज कर लिया, आपने गलत यूज कर लिया, कैसे भी यूज कर लिया, तो HDFC बैंक बोलता है भाई आपको कार ही चाहिए ना, तो हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन आपको पैसा नहीं देंगे, पैसा डायरेक्ट किसको मिलेगा, आपके डीलर को मिल जाएगा, ठीक है, लोन तो आपको चुकाना पड़ेगा, वो तो ऑब्वियसली बात है, क्लियर, क्या ये बात समझ में आई? तो बताना जरा, ये जो आप हो, जो आप कार लेने गए थे, आपके पास पैसा कितना आया? पैसा कुछ भी नहीं आया, क्यों, लोन आपके पास आया ही नहीं, और ना आपके पास से कोई पैसा गया अभी फिलहाल, तो जब ये लोन आपके पास आया तो कोई पैसा नहीं गया, क्योंकि आपने एक कार जो है उसके लिए पैसा खुद ने तो दिया नहीं उस डीलर को, तो पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो डायरेक्ट किससे हो रहा है, ये बैंक है
एचडीएफसी बैंक, और एचडीएफसी बैंक ने डायरेक्ट किसको दे दिया वो पैसा, डीलर को दे दिया। वरना पहले क्या होता, बैंक किसको देती आपको, आप डीलर को देते, तो ये हुआ नहीं। लेकिन आपके पास क्या आ गई, कार आ गई ना। अब बताओ कार जो है आपने खरीदी है क्या डायरेक्ट पैसे दे के, नहीं। ठीक है, अब कार आपने ली, पैसे नहीं दिए, लेकिन आपने ध्यान से सुनना है ना, क्योंकि आपके पैसे एकदम से नहीं गए ना, पैसे तो डायरेक्ट पहुंच गए उसके पास, डीलर के पास। और आपने एक तरीके से लोन भी लिया है, लेकिन पैसे नहीं लिए हैं। ठीक है भाई, अगर ट्रांजेक्शन का मेन सब्सटेंस देखा जाए तो लोन भी लिया और कार भी ली, लेकिन पैसा कहीं आया गया नहीं। ठीक है, लोन भी हो गया सर पे और कार भी मिल गई हमें, हमारा पर्पस पूरा हो गया। लेकिन कैश फ्लो के अंदर बताओ ये चीजें कहाँ जाएगी, लोन का पैसा आया नहीं और कार के लिए पैसा गया नहीं। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटी को अपन बोल सकते हैं नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आप बोलोगे भाई है ना कॉन्सेप्चुअल चीज, ऐसी चीजें अपने अपने इंडियस वगैरह में कवर नहीं है अभी तक। ठीक है, ये यूएस गैप कवर करता है, लेकिन तो यूएस गैप बोलता है जो नॉन कैश इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है ना, उसको अपन को प्रेजेंट करना होता है। कैसे प्रेजेंट करना होता है देखो जरा आप, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये इन्वेस्टिंग है, ये फाइनेंसिंग है। ठीक है, अब आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टोटल लगा दिया, इन्वेस्टिंग का लगा दिया, फाइनेंसिंग का लगा दिया, ओपनिंग कैश ऐड कर दिया उसमें। ठीक है, ये ओपनिंग कैश ऐड हो गया यहाँ पे, ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी तीनों का टोटल लगाया तो इन तीनों का टोटल यहाँ पे आ गया इस ये वाला फिगर, और ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी के बाद इसमें ओपनिंग कैश ऐड कर दिया, अपने आप क्या आ गया, क्लोजिंग कैश। अब इसके बाद आप क्या करते हो, एक सप्लीमेंटल शेड्यूल बनाते हो, स्केड्यूल बनाते हो नॉन कैश इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का लास्ट के अंदर। ठीक है, वो अपन को दिखाना होता है, डिस्क्लोजर दिखाना होता है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली ना तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो सही, लेकिन कैश नहीं गया ना कैश आया। क्लियर, तो ये होता है नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब सुन लो देखो, और देखो क्या है, तो नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी आर रिपोर्टेड इन अ स्केड्यूल बिलो द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, उसके नीचे जो शेड्यूल है, स्केड्यूल है, उसमें अपन नॉन कैश इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को शो करते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सी कुछ है, जैसे डेप्ट कन्वर्टेड इंटू, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, डेप्ट कन्वर्टेड इंटू इक्विटी। अब सोचो अगर डेप्ट इक्विटी में कन्वर्ट हो गया तो एंट्री क्या पास होगी, डेप्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। डेप्ट खत्म हो गया, लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई तो डेबिट हो गई, इक्विटी में कन्वर्ट हो गई तो इक्विटी क्रेडिट हो गया। ठीक है, डेप्ट अगर कन्वर्ट हुआ इक्विटी में तो बताना जरा ये कैश वाली एक्टिविटी है नॉन कैश एक्टिविटी है, ये नॉन कैश एक्टिविटी है, इसमें कोई कैश आया गया तो नहीं ना। कई बार देखा है ना डिबेंचर कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर्स में। अगला देखो, बोरोइंग मनी टू परचेज अ फिक्स असेट व्हेन लेंडर पे द लोन प्रोसीड डायरेक्टली टू द सेलर ऑफ द असेट। यही तो डिस्कस कर रहे थे अभी अपन ने, लोन लिया टू परचेज कार व्हेन द लेंडर एचडीएफसी बैंक पेज द लोन डायरेक्टली टू द डीलर ऑफ द कार। ठीक है, टू मेक श्योर दैट लोन प्रोसीड आर यूज एज इंटेंडेड। यही तो मैंने बताया था आपको कि लोन का जो पैसा है वो केवल उसी काम में इस्तेमाल होना चाहिए, कार खरीदने के लिए, पहले लोग बाग किसी और कार काम में इस्तेमाल कर देते थे। ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, बाइंग और सेलिंग फिक्स असेट फॉर समथिंग अदर देन कैश। अब आपने सपोज करो फिक्स असेट खरीदी, लेकिन आपने पैसे नहीं दिए, आपने शेयर इशू कर दिए फिक्स असेट खरीद के, एंट्री क्या पास करी, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होगी या नहीं होगी एंट्री, यही होगी। अब फिक्स असेट आई और शेयर इशू करे, शेयर इशू करना कौन सी एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिक्स असेट खरीदना कौन सी एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन बताना जरा कि ये कैश फ्लो में आएगा ही नहीं आएगा, इससे कोई कैश नहीं गया ना कैश आया, क्योंकि आपने मशीन खरीदी है, फिक्स असेट खरीदी है शेयर इशू करके, ना कि कैश देके, तो ये कौन सी एक्टिविटी है, नॉन कैश। आया समझ में, ऑप्टेनिंग अ बिल्डिंग और अदर आइटम बाय गिफ्ट, गिफ्ट मिल गया आपको कोई आइटम, एक्सचेंज नॉन कैश असेट और नॉन कैश लाइबिलिटी फॉर नॉन कैश असेट और लाइबिलिटीज, आपने असेट्स एक्सचेंज कर ली। ठीक है ना, बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम में आप कुछ भी कर सकते हो, एक्सचेंज करते हो ना बार्टर सिस्टम में चीजों को, आपके पास गोल्ड पड़ा था, गोल्ड के बदले आपने कार ले ली, तो कैश आया थोड़े गया ना, तो कैश आया ना कैश गया। क्लियर,
तो नॉन कैश इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी मस्ट बी प्रेजेंटेड सेपरेटली इन अ स्केड्यूल एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. दिस डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बिकॉज दीज इवेंट मे बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पोटेंशियल इन्वेस्टर टू नो अबाउट. ठीक है, तो डिस्क्लोजर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर को जानना बहुत जरूरी है. एग्जाम्पल देखा आप इसे समझो, इन्वेस्टर को क्यों जानना जरूरी है. इफ द कंपनी मेक्स अ प्रैक्टिस ऑफ इशूइंग न्यू शेयर टू एक्वायर फिक्स असेट, यही एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको अभी भी, कि कंपनी ने क्या किया, फिक्स असेट खरीदी, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट, शेयर इशू करके टू शेयर कैपिटल. द डिस्क्लोजर ऑफ दैट फैक्ट विल बी पोटेंट विल लेट द पोटेंशियल इन्वेस्टर नो दैट ही और हिज ओनरशिप विल बी डायल्यूटेड एज द कंपनी बाय द फिक्स असेट. समझ में आया आपको क्या बोल रहे हैं? अगर कंपनी ने फिक्स असेट खरीदे शेयर इशू करके, तो शेयर इशू करने से क्या होगा, ओनरशिप डायल्यूट होगी, नहीं होगी, बिल्कुल होगी. ओनरशिप डायल्यूट होने का मतलब ईपीएस को कम होना, जितने नंबर ऑफ शेयर इशू होंगे उतनी अर्निंग पर शेयर क्या हो जाती है, कम हो जाती है. अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर का. तो अगर अर्निंग जो है, अर्निंग पर शेयर कम कब होगी, जब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, कम होगी नहीं होगी. जितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ाते जाओगे तो आंसर उतना क्या होता जाएगा, रिजल्ट ईपीएस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. ये है. तो अगर कंपनी क्या करती है, नए शेयर इशू करती है फिक्स असेट को खरीदने के लिए, तो ये बात जानना इन्वेस्टर को क्यों जरूरी है, क्योंकि उसकी ओनरशिप क्या है, डायल्यूट होने वाली है. ठीक है, लेकिन ये नॉन कैश आइटम है या नहीं है, बिल्कुल नॉन कैश आइटम है, कोई ना तो कोई कैश आ रहा है ना कोई जा रहा है. ये अपन ने डिस्कस कर ही लिया, मैंने आपको स्टेटमेंट का फॉर्मेट बता दिया, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गई, फिर इन्वेस्टिंग आ गई, फिर फाइनेंसिंग आ गई, फिर अपन ने तीनों का टोटल लगाया, ये नेट बैलेंस आ गया, इसमें ओपनिंग कैश ऐड करा, क्लोजिंग कैश आ गया, ये अपने आप आंसर मैच कर जाता है, ये आपने स्कूल में भी देखा होगा कभी ना कभी. फिर ये नॉन कैश इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ पे लिख देते हैं. बताओ इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बताना जरा, पढ़ो इसको, पॉज करो वीडियो को. कैली कंपनी एक्वायर्ड लैंड बाय अज्यूमिंग अ मॉर्गेज फॉर फुल एक्विजिशन कॉस्ट. दिस ट्रांजेक्शन शुड बी डिस्क्लोज ऑन द कैली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एज एन. वही क्वेश्चन हो गया वापस से. कैली ने एक मॉर्गेज करा, एक लैंड खरीदी है ना, और उसके लिए मॉर्गेज लोन लिया. तो जब भी कभी आप लोन लोगे तो आपको तो पैसा मिलेगा नहीं लोन का, आपको डायरेक्टली किसको मिल जाएगा, जिससे आप लैंड खरीद रहे हो उससे मिल जाएगा, उसको मिल जाएगा. तो ये कौन सी एक्टिविटी हो गई, नॉन कैश फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में एग्जाम में, तो पता लग गया कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं. ये क्वेश्चन बताओ, ये भी 2014 का क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा इसका. डिविडेंड पेड टू कंपनी वुड बी शोन ऑन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एज एन. अगर आपने किसी भी कंपनी को डिविडेंड पे करा तो कौन सी एक्टिविटी है, आंसर याद करो क्या था, आंसर इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ठीक है, कौन सी एक्टिविटी हो गई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई. डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड अपन ने डिस्कस कर लिया है वैसे ऑलरेडी, लेकिन आप बोलोगे तो मैं रिवाइज करा दूंगा आपको. सिंपल क्या था बताओ, ये कैसे लाइन खींचो, सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी लिखनी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी. कैसे चालू करना था बताओ, कैश सेल्स, फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, फिर कैश परचेजेस. क्या करोगे, कैश परचेज को माइनस करोगे, फिर कैश पेड टू क्रेडिटर्स माइनस करोगे, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड कर देना, फिर हम करेंगे क्या करोगे, टैक्सेस पे कर देना बस. ये आ जाएगा आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी. इसके बाद फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग तो अपन ने अच्छे तरीके से और देख ली, ठीक है ना, रिवीजन कर लो बस टाइम टू टाइम चीजों का. इनडायरेक्ट मेथड इधर बनाया था ना, इधर बनाया था आपके लिए इनडायरेक्ट मेथड दोबारा से, ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा. कैसे करते थे बताना जरा, अब आप बनाओ मेरे साथ साथ, है ना, बताओ मेरे को कैसे करेंगे.
सबसे पहले क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के बाद क्या करते थे बताना जरा। सर नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे। नॉन कैश एक्सपेंसेस का एग्जांपल क्या था बताओ, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन मतलब समझते हो क्या होता है, कोई भी चीज़ को राइट ऑफ करते हैं ना अपन, पीएनएल में डालते हैं, तो उसे बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। जैसे जैसे कोई डिस्काउंट राइट ऑफ कर दिया, गुडविल कई बार राइट ऑफ करते हो आप, वो नॉन कैश एक्सपेंस होता है ना गुडविल राइट ऑफ करना। अब गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री क्या करते हो, पीएनएल टू गुडविल, यही एंट्री करते हो। बताओ ये कैश आइटम है नॉन कैश आइटम है? सर नॉन कैश आइटम है। ऐसे ही कोई पीएनएल टू डिस्काउंट कर दिया आपने, तो वो नॉन कैश आइटम हो गया, तो नॉन कैश एक्सपेंस को प्लस करना है। अगर कोई नॉन कैश इनकम है, कोई अनरियलाइज प्रॉफिट्स है, तो उसको लेस कर देना आप। कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग है ना, ये सब चीजें इन्वेस्टमेंट्स, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है, उसको लेस कर दो आप, क्योंकि इनकम आपने पहले ऐड कर रखी है। इसी तरीके से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दो। जैसे क्या था नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, उसको ऐड कर दो आप। ठीक है, ये आ गया यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये फिगर से अपन आगे चालू करते हैं ना ऊपर से। अब मैंने जो बताया था ना, कुछ रह गया था इनडायरेक्ट मेथड में, कुछ थोड़ा सा बाकी था, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या बाकी था इनडायरेक्ट मेथड में। आपने वो सब काम कर लिया, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी चल रही है अभी। अब आप क्या करते हो, थोड़ा सा काम और करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर इनडायरेक्ट मेथड में, इंक्रीज इन करंट असेट्स को लेस करना है। डिक्रीज इन करंट असेट को क्या करना है, ऐड करना है। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को क्या करना है, ऐड करना है। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को क्या करना है, लेस करना है। फिर टैक्सेस पेड लेस करने हैं। क्या लेस करने हैं, लास्ट में टैक्सेस पेड। तब जाके आपका क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तब जाके आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा। इन ये चारों आपने पढ़े होंगे कभी ना कभी, 12th में हो सकता है शायद पढ़े हों। इन चारों को कहते हैं वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं इन चारों को, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। इंक्रीज इन करंट असेट मतलब करंट असेट बढ़ गई, बताना जरा, असेट पिछले साल से बढ़ गई। इस साल पिछले साल 10,000 थी, इस साल 12,000 हो गई, तो बताओ इनफ्लो है आउटफ्लो है? सर आउटफ्लो है। क्यों भाई, असेट बढ़ने का मतलब क्या होता है, असेट इंक्रीज होने का, कि आपने असेट परचेज कर ली, और आपको पता है कोई भी चीज खरीदोगे तो पैसे तो जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए उसको मैंने माइनस में लिख रखा है। देख रहे हो आप, माइनस में लिख रखा है। डिक्रीज इन करंट असेट, करंट असेट डिक्रीज हो गई। जैसे स्टॉक पहले पड़ा था आपके पास 12,000 का स्टॉक था, अब वो 8,000 का रह गया, तो आपके पास 4,000 का स्टॉक कम क्यों हो गया, क्योंकि वो बिक गया, सेल हो गया, तो सेल होने पे क्या होता है, पैसे आते हैं, तो इसलिए मैंने उसको प्लस कर रखा है। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्यों, क्योंकि आपने लोन ले लिया, लोन टेकन, ठीक है। लाइबिलिटी बढ़ने का रीजन क्या है, लोन ले लिया, तो वो इनफ्लो है आउटफ्लो है, किसी और का पैसा ले लिया आपने, लोन ले लिया, उधार ले लिया, तो उधार ले लिया तो फिर पैसे इनफ्लो हो गया, तो ये इनफ्लो है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा पैसा, है ना। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, लोन चुका दिया आपने तो माइनस हो जाएगा, तो ये सारा करने के बाद क्या आ जाता है, लास्ट में टैक्सेस पे कर दो, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड में देख लिया अपन ने कि एलिमिनेट नॉन कैश इनकम्स, उसको लेस कर दिया नॉन कैश इनकम को, ठीक है, और नॉन कैश इनकम और या फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस, तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है। एलिमिनेट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी इवेंट्स जो इंक्लूडेड इन इनकम स्टेटमेंट, लाइक प्रॉफिट ऑन सेल, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम की बात कर रहा है, तो अपन ने देखा था नॉन ऑपरेटिंग आइटम को कैसे अपन ने एडजस्ट किया था। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस कर दो, जो अपन इनडायरेक्ट मेथड से काम कर रहे हैं। तो आंसर बताओ, एक क्वेश्चन है आपके सामने सिंपल, अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो वुड हैव कैश एक्टिविटीज लिस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स, किस ऑर्डर में कैश फ्लो की एक्टिविटी लिस्टेड होती है, बताना जरा किस एक्टिविटी किस फ्लो में होती है। पॉज कर लो वीडियो, आंसर दो सोच के। बहुत सिंपल आंसर है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। अब आप ये क्वेश्चन सोचो क्या होगा इसका आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखो आपको खुद ही ट्राई करना है, ठीक है। आप इसको ट्राई करिए, फिर अपन इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आंसर को कि कैसे होगा इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। वैसे इजीली हो जाएगा। आपके लिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ मैं, एक ये क्वेश्चन होमवर्क है, आप इसको देख लीजिए। एक ये क्वेश्चन होमवर्क है आपको, इसको देख लीजिए, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन होमवर्क है, इसको देख लीजिए आप। एक ये भी होमवर्क है, एक ये, ठीक है। तो आपके लिए मैंने चार पांच क्वेश्चन होमवर्क पे रखे हैं, आप इनको ट्राई करिए। इनको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। पॉज करिए वीडियो और देखिए, समझिए, वरना मैं करवा दूंगा तो आपको इजीली हो जाएगा, फिर आपको दिमाग लगाने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।